तो भैया आपको मेले में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, मेले में मैं आया हूँ, सभी लोग आए, पधारे ग्वालियर के बार मेला देखने जरूर आए, 2 साल बाद। Hey guys, what's up? कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो हम आपके लिए फिर से एक और ब्लॉक ले आए हैं। बढ़ते हैं मेले की तरफ और देखते हैं क्या क्या नया नया अपडेट है। तो हेलो गाइस, आज है 8 जनवरी और हम आ चुके हैं मेला ग्राउंड के बाहर। तो अब देखते हैं आज का क्या माहौल चल रहा है, चलते हैं अब अंदर। गाइस, हम मेले के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे कार्स के शोरूम बन चुके हैं और उनके अंदर कार्स आ चुकी हैं, आप देख सकते हो सामने। और उसके सामने एक और शोरूम तैयार हो रहा है, अभी कुछ समय पहले मैंने आपको वीडियो दिया था पिछले वीडियो में, तो ये कम्प्लीट नहीं था, इधर भी गाड़ियाँ आ चुकी हैं। चलते आगे, हम आ चुके हैं महिंद्रा के शोरूम पर और इसमें लगी हुई है थार। जैसा कि पहले लोग कमेंट में बोल रहे थे कि हमें महिंद्रा के शोरूम वगैरह बताइए, तो हम आपको अंदर से दिखाते हैं। गाइस, महिंद्रा के शोरूम में ये महिंद्रा थार आ चुकी है, आप देख सकते हो काफ़ी शानदार लग रही है। आपको किसी को लेना है तो आप आ सकते हो। गाइस, ये है महिंद्रा थार, इसके बारे में आप सबने सुना ही होगा, आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ। महिंद्रा थार के पास में एक टमटम जो होती है वो न्यू आ चुकी है महिंद्रा वालों की, आप देख सकते हो न्यू। गाइस, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं भैया से, भैया बताएंगे हमें। तो भैया, इसका डिटेल्स बताइए आप हमें। गाड़ी महिंद्रा की है भैया, फैमिली, 7 से 8 घंटे में चार्ज हो जाती है, 80 से 90 किलोमीटर चलती है सुपर चार्ज में। 80 से 90 किलोमीटर चलती है, कितने घंटे चार्ज होती है? सर 7 से 8 घंटे में। 7 से 8 घंटे में कितनी बैटरी है इसके अंदर? 4 बैटरी ऑक्साइड की है। हाँ, लिक्विड वाली होती है ना, उसमें पानी चेंज करना पड़ता है। अच्छा, कितना किलोमीटर चल लेती है? 80 किलोमीटर चलती है। 80 किलोमीटर न्यू वाली, आप देख सकते हो। महिंद्रा के शोरूम में से निकल के उसके सामने मारुति सुजुकी का शोरूम बना हुआ है, इसके अंदर का डिटेल हम आपको देंगे, कौन कौन सी गाड़ी लगी हुई है। गाइस, हम आ चुके हैं सुजुकी के शोरूम के अंदर और यहाँ की आपको कार्स दिखा देते हैं। इधर अभी काम चल रहा है, कार आ चुकी है, ये 21 और 22 नंबर छतरी के बीच में है शोरूम, आप कभी भी आ सकते हो। गाइस, ये 22 नंबर छतरी पे अभी कंप्लीट हो रहा है, इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है लेकिन काफ़ी फास्ट काम चल रहा है, आप देख सकते हो पब्लिक तो आना स्टार्ट हो चुकी है। 21 नंबर छतरी है, अब चलते हैं आगे। ये भी गाइस शोरूम बन रहा है अभी। 19 और 21 नंबर छतरी के बीच में ये शोरूम कंप्लीट हो रहा है अभी, काफ़ी तेजी से काम चल रहा है, देख सकते हो आप। अब आगे की ओर चलते हैं, इधर ये शोरूम भी कंप्लीट हो रहा है अभी, ये वाला शोरूम भी कंप्लीट होने पे है। गाइस, अभी हम आ चुके हैं 19 नंबर छतरी पर, देख सकते हैं यहाँ का माहौल, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस, अभी हम 16 और 18 नंबर छतरी के बीच में हैं और यहाँ पे देखिए आप, दुकानें कंप्लीट हो चुकी हैं कुछ और यहाँ पे बन रही हैं अभी। ये 16 नंबर छतरी पर है देवान फर्नीचर हाउस, देख सकते हो आप, और आगे का माहौल आपको दिखा देते हैं। बोले टी स्टॉल अभी ये ओपन है, चलते हैं अब आगे की तरफ। तो गाइस, अभी हम 15 और 16 नंबर छतरी के बीच में हैं और ये है यहाँ की दुकान है, आप देख सकते हो। इधर ज़्यादा भीड़ नहीं है, पब्लिक नहीं है क्योंकि थोड़ा आउट पड़ जाता है। गाइस, अभी हम 15 नंबर छतरी के पास हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। आज शाम 3:30 बजे। गाइस, ये 14 और 15 नंबर छतरी के पास है, बीच में पड़ती है ये शॉप, आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है, चश्मे, घड़ी, बेल्ट वगैरह वगैरह, छल्ले, सब कुछ अवेलेबल है। और इसी के पास है गर्म कपड़े की शॉप, अगर आपको ठंड का माहौल तो चल ही रहा है, अगर आपको कपड़े चाहिए तो यहाँ से आके ले सकते हो। बंसी वाला रेस्टोरेंट, गाइस, ये 14 नंबर छतरी पर है, आप देख सकते हो, यहाँ भुट्टे का शॉप भी लगा हुआ है।
गाइस अभी हम 13 और 14 नंबर छतरी के बीच में है। यहाँ की पब्लिक आप देख सकते हो, काफी भीड़ जमा है यहाँ पे। अमेरिकन भुट्टा गाइस ये 13 नंबर छतरी पर है ये शॉप। आपको भुट्टा भुट्टा खाना है अगर आपका कोई साथ में है तो आप यहाँ के खा सकते हो। हरिद्वार वाला रेस्टोरेंट गाइस ये 13 नंबर छतरी पर है, आप देख सकते हो। आज मैं इसका अंदर का अपडेट भी दूंगा आपको, किस तरह से ये दुकान चल रही है। यहाँ की सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखा जा रहा है गाइस, और आप देख सकते हो कितनी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी हुई है। गाइस ये वंशी वाला रेस्टोरेंट है 13 नंबर छतरी पर, आपको यहाँ पे आना है तो ये सारे आइटम्स आपको मिलेंगे खाने के लिए। तो गाइस हम आ चुके हैं स्लेब बाजार के गेट पर और अब चलते हैं अंदर, कैसा क्या माहौल है आप काफी लोग कमेंट में मांग रहे थे। स्लेब बाजार का वीडियो दो, तो हम ले आए हैं आपके लिए ये वीडियो। तो भैया आपको मेले में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मेले में मैं आया हूँ आज। काफी टाइम से मतलब लॉकडाउन के पहले मेरे को इतना अच्छा देखने को मिल रहा है। काफी पब्लिक है, उत्साह है, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत फन है, इंजॉय है। काफी मेले को देखने में सभी लोग आए, पधारे, ग्वालियर की बार मेला देखने जरूर आए। 2 साल बाद ये मेला लगा हुआ है। आपको क्या लगता है लोगों को अभी आना चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल यही टाइम है एंजॉय करने को। नाइट में तो इतना अच्छा लग रहा है, लाइट और मतलब अलग ही, कुछ कह नहीं सकते। बहुत अच्छा शानदार मेला लगा हुआ है। ठीक है तो बाय।